लतवा न्यूज के स्टूडियो से नवीनतम अपडेट। मेघालय सरकार के प्रवक्ता पॉल लिंगडो ने मेघालय राज्य महिला आयोग अध्यक्ष की चल रही नियुक्ति मुद्दे के ऊपर बोलते हुए कहा कि पूरी प्रक्रिया जनवरी के अंत तक समाप्त हो जाएगी। अब उन व्यक्तियों के लिए दरवाजा खुले है जिनका नाम खोज समिति ने नहीं दिया है। चार या पांच नाम होने के बावजूद सरकार ने उन व्यक्तियों को शामिल करने के लिए विज्ञापन का विस्तार करने का निर्णय लिया जो मानते हैं कि वे इस पद के लिए लायक है, लेकिन शुरुआत में खोज समिति द्वारा उनका नाम नहीं दिया गया था। इस कदम का उद्देश्य चयन प्रक्रिया में निष्पक्षता सुनिश्चित करना है। इस सवाल का जवाब देते हुए सरकार कितनी नामों की तलाश कर रही है, लिंगडो ने बताया कि 20 जनवरी के आसपास की समय सीमा निर्धारित की गई थी। फरवरी के पहले सप्ताह में समीक्षा होने की उम्मीद है, जिस समय सरकार नियुक्ति को अंतिम रूप देने के लिए खोज समिति की सिफारिशों और व्यक्तिगत आवेदनों पर विचार करेगी। ऑफ जनवरी द प्रोसेस विल बी क्लोज्ड। नाउ वी हैव ओपनड द डोर्स टू इवन इंडिविजुअल्स हु हैव नॉट बीन नेम्ड बाय द सर्च कमिटी सो दैट नोबडी वुड फील दैट दे हैव बीन डिनाइड ऑफ एन अपॉर्चुनिटी टू अप्लाई। Because we feel that, in fact, it was made, we were made aware by certain individuals that they also, in fact, they considered themselves to be, you know, quite fit to hold the post, but they were not named by the search committee. So we thought, in all fairness, let's open the door for everybody, and then the government will take a call based on recommendations of the search committee as well as individual application. No, we have set a deadline. I think it was somewhere 20th of January or so, as and when we sit for a review by the first week of February, we should be in a position to then select the chairperson. लतवा न्यूज के स्टूडियो से नवीनतम अपडेट।